नमस्कार, वीकली एग्री कमोडिटी आउटलुक में आपका स्वागत है। पिछले हफ्ते हमने पूरे एग्री कमोडिटी में एक अच्छी खासी गिरावट आते हुए देखी है। अगर हम देखें तो काफ़ी अनसर्टेनिटी बनी हुई है। सबसे पहले वॉल्यूम, मई मंथ से हम देख रहे हैं कंटिन्यू इक्विटी मार्केट में गिरावट के चलते एग्री कमोडिटी के अंदर भी अच्छी खासी गिरावट बनी हुई है, जिसके कारण वॉल्यूम्स में भी हमने काफ़ी कमी आते हुए देख पा रहे हैं। साथ में मानसून की अनसर्टेनिटी, सोइंग की अनसर्टेनिटी, गवर्नमेंट पॉलिसी की अनसर्टेनिटी, इन सबको देखते हुए प्राइजेस के अंदर कहीं ना कहीं थोड़ा दबाव बना हुआ है। इंडिविजुअल कमोडिटी की बात करें तो कहीं ना कहीं कैस्टर 1.5% की गिरावट के साथ मार्केट बंद होता हुआ दिखाई दिया। कैस्टर में अगर हम लॉन्ग टर्म फंडामेंटल्स की बात करें तो काफ़ी सपोर्टिव है, जो सोइंग इस वक्त डिले है। चाइना मार्केट है जो पहले ओपन अप हुआ था, जिसका सपोर्ट भी मिला, बट अब चाइना मार्केट फिर से क्लोज हो रहा है कोरोना के कंसर्न, इसलिए डिमांड में थोड़ा ड्रॉप देखा गया है। बट आने वाले दिनों में अगर चाइना पार्टिसिपेशन बढ़ता है तो कैस्ट्रो को इसका पूरा सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देगा, जिसके चलते हमें लगता है 7250-7300 के करीब कैस्ट्रो को लिया जा सकता है 75-75-50 के टारगेट के लिए। वहीं मेंथा के अंदर हमने 1.5% की तेज़ी देखी है। ऑलरेडी प्राइजेस के अंदर काफ़ी बड़ी गिरावट हमने पिछले महीनों में देखी है। अराइवल्स धीरे धीरे बढ़ना चालू हो चुका है, लेकिन डिमांड अभी तक इम्प्रूवमेंट नहीं है। टेक्निकली अगर देखें तो 1056 का लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 1056 के ऊपर निकलने पे 1070-1085 तक के लेवल हम मेहता में देख पाएंगे। 1020 के ऊपर काउंटर स्ट्रांग दिखाई दे रहा है। कॉटन कॉम्प्लेक्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमने मिक्स व्यू बनते हुए देखा है। 0.5% की तेज़ी कॉटन में, जबकि कॉटन सीड ऑयल केक के अंदर हमने 0.3% की गिरावट बनते हुए देखी है। कॉटन में अगर हम देखें तो इंटरनेशनल में सोइंग अच्छी हुई है, लेकिन USDA की रिपोर्ट के अनुसार ग्लोबल सोइंग के अंदर कहीं ना कहीं इस बार दबाव रहेगा, जिसका सपोर्ट आगे जाकर 22-23 की क्रॉप को मिलेगा। डोमेस्टिक मार्केट में भी नॉर्थ से खबर यही आ रही है कि कहीं ना कहीं सोइंग पिछड़ रही है। साथ में पिंक बॉल बॉम्ब और इल्ड का ड्रॉप की न्यूज़ की वजह से प्राइजेस को सपोर्ट मिल रहा है। बट दिस इज़ टू अर्ली टू से राइट नाउ कि आगे जाके स्विंग कितनी गिरेगी या कितनी बढ़ेगी। तो अगले 12-15 दिन मार्केट कंसोलिडेट करता हुआ दिखेगा, लेकिन ट्रेंड साइडवे टू पॉजिटिव रहेगा। अपसाइड 48,000 के ऊपर जाता हुआ नहीं दिखाई दे रहा बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट एक्शन एंड ऑल, बट डाउन साइड में 44,500 के नीचे भी नहीं जाएगा। कॉटन सीड ऑयल की में पहले भी हमने कहा था कि 2750 से लेकर 2950 के बीच में मार्केट मूव करेगा। एज ऑफ नाउ भी हमें लगता है कि प्राइजेस इसी दायरे में ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। नो डाउट जुलाई ऑनवर्ड्स मिल्किंग सीजन स्टार्ट होने की वजह से डिमांड स्लोली एंड स्टडीली बढ़ेगी, बट एज ऑफ नाउ क्वालिटी कमजोर है और डिमांड काफ़ी कम है, जिसकी वजह से प्राइजेस दायरे में ट्रेड कर रहे हैं। गवार कॉम्प्लेक्स में सबसे ज़्यादा गिरावट हमने देखी है, डिस्पाइट जो फंडामेंटल है वो काफ़ी मजबूत है। नो डाउट मानसून में थोड़ी सी जो हरकत नेगेटिव हुई है या मानसून कमजोर पड़ा है, उसका एक नेगेटिव असर गवार पे पड़ा है। ज़्यादा करके माना जाता है कि अगर मानसून कमजोर होता है तो फार्मर की पहली फसल गवार बन जाती है, उसका एक नेगेटिव असर पड़ा है अभी तक। लेकिन रुपए की गिरावट, इंटरनेशनल में US सरटैक्स लगाने के बाद उम्मीद की जा रही है कि क्रूड का प्रोडक्शन US में और तेज़ी से बढ़ेगा, जिसके चलते कहीं ना कहीं गवार के एक्सपोर्ट को बूस्ट मिलेगा। टेक्निकली 5840 के नीचे जब तक प्राइजेस सस्टेन है, 5500 तक का लेवल हम देख पाएंगे गवार सीड में और 10100 तक का लेवल देख पाएंगे गवार गम में। तो टाइमिंग मार्केट थोड़ा प्रेशर में जरूर है, बट अगले हफ्ते मंगलवार बुधवार के बाद प्राइजेस के अंदर एक सपोर्ट मिलना चाहिए। बट बड़ी तेज़ी के लिए 5840 और 10850 ये दो लेवल तोड़ के होल्ड करना जरूरी है। मसालों के अंदर आउटलुक अभी भी गिरावट भरा ही है, लेकिन हल्दी की अगर बात करें तो स्विंग में इस बार कमजोर रह सकता है, जिसका सपोर्ट प्राइजेस को मिलेगा। टेक्निकली 7800-8200 के दायरे में प्राइजेस रहेगा। अगले हफ्ते सोमवार मंगलवार की गिरावट के बाद बुधवार से मार्केट में धीरे धीरे रिकवरी बनेगी, जो 8050 का लेवल तोड़ने पे 8200 तक का लेवल अगले हफ्ते के एंड तक मिल सकता है। वहीं जीरा और धनिया लॉन्ग टर्म व्यू काफ़ी स्ट्रांग है, बट टाइमिंग हमें लगता है 20500-20600 का सपोर्ट जीरे में मिलना चाहिए। वहीं धनिया के अंदर 10850 का लेवल पिछले महीने हमने देखा था, इस बार भी लग रहा है कि प्राइस अगर 11000 का लेवल तोड़ता है तो एक बार 10500-10800 तक का लेवल मिले। लेकिन ध्यान रखिए, जुलाई फर्स्ट वीक के बाद ही जीरे और धनिया में सपोर्ट मिलेगा और तेजी बनेगी। अगले 12-15 दिन मार्केट साइडवे टू नेगेटिव रहेगा, बट कोई फ्री फॉल जैसी सिचुएशन नहीं है, बिकॉज मार्केट में जो माल है वो उसके अगेंस्ट अगर पूरे साल भर की डिमांड पकड़े वो काफ़ी ज़्यादा है।
तो ओवरऑल हमें लगता है मार्केट थोड़ा साइडवे रहेगा जीरे और धनी के लिए, और ये हफ्ते में एक वीकनेस दिखाता हुआ चलेगा, बट लॉन्ग टर्म व्यू के लिए हम बाइंग करके ही चलेंगे। तो ये हफ्ते में हल्दी सपोर्ट पे रहेगी, जीरे धनिया में दबाव रहेगा, जो 20,500 तक जीरा और धनिया में 10,900 तक का सपोर्ट मिलना चाहिए। धन्यवाद।